आप अगर ये जानना चाहते हैं कि कौन सी ब्रेक मोटरसाइकिल लेनी चाहिए, वी ब्रेक जिसे पावर ब्रेक भी कहते हैं या फिर डिस्क ब्रेक, तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया गया है। यह वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी ब्रेक मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। तो फिर चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होते हैं और कुछ माइनस पॉइंट। वैसे ही वी ब्रेक और डिस्क ब्रेक में भी कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ माइनस पॉइंट, तो वन बाय वन इन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट की, या कहे प्राइस की। तो वी ब्रेक मोटरसाइकिल की प्राइस डिस्क ब्रेक मोटरसाइकिल की प्राइस से कम होती है। वी ब्रेक मोटरसाइकिल की प्राइस 5000 से शुरुआत होती है और वही डिस्क ब्रेक मोटरसाइकिल की प्राइस 8000 से शुरुआत होती है, और वो भी अच्छे कंपनी की। दोस्तों, 24 और 26 इंच व्हील साइज में आपको वी ब्रेक मिल जाते हैं। वहीं डिस्क ब्रेक आपको 24, 26, 27.5 और 29 इंच व्हील साइज में मिल जाते हैं। साथ ही सिंगल स्पीड और गियर साइकिल में भी डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। मतलब डिस्क ब्रेक साइकिल आपको काफ़ी वैरायटीज में मिल जाती है। अब बात करते हैं मेन चीज़ के बारे में, और वो है मेंटेनेंस। साइकिल परचेस करने के बाद मेंटेनेंस करना भी ज़रूरी होता है। तो जहाँ पर आप साइकिल यूज़ करने वाले हो, इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पर कौन सा ब्रेक मेंटेनेंस हो सकता है। दोस्तों, ज़्यादातर अभी भी कुछ गांव में डिस्क ब्रेक तो दूर की बात है, वी ब्रेक भी मेंटेनेंस नहीं हो पाते। आप अगर ऐसे गांव या शहर में रहते हो जहाँ पर वी ब्रेक हो या डिस्क ब्रेक, कोई भी ब्रेक रिपेयर हो सकता है, तो कोई टेंशन ही नहीं। और दोस्तों, जिस साइकिल शॉप में डिस्क ब्रेक रिपेयर हो सकता है, तो वी ब्रेक भी आसानी से रिपेयर हो सकता है। वी ब्रेक या डिस्क ब्रेक रिपेयर करने के लिए एलेंकी की ज़रूरत होती है। 4, 5 और 6 नंबर की एलेंकी से आप वी ब्रेक या डिस्क ब्रेक रिपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं वी ब्रेक और डिस्क ब्रेक मैनुअली प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट के बारे में। दोस्तों, आप अगर वी ब्रेक मोटरसाइकिल परचेस करते हैं और कुछ महीनों बाद अगर वी ब्रेक खराब हो जाते हैं और फिर से आप वी ब्रेक ही इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वी ब्रेक की प्राइस आपको लगभग 150 के आसपास मिल जाएगी। वही डिस्क ब्रेक खराब हो जाते हैं, डिस्क तो खराब कम ही होते हैं, ये जो कैलिपर है वो अगर खराब हो जाता है तो आपको 450 के आसपास इसकी प्राइस मिल जाएगी। वी ब्रेक के ब्रेक रबर आप सिर्फ चेंज करना चाहते हैं तो 50 रुपीज़ के आसपास मिल जाते हैं, और डिस्क ब्रेक पैड चेंज करना चाहते हैं तो 200 के आसपास मिल जाएंगे। अगर ब्रेक की प्राइस कंपेयर करें तो डिस्क ब्रेक की प्राइस वी ब्रेक से ज़्यादा होती है। वी ब्रेक की एक अच्छी बात यह है कि वी ब्रेक में आने वाले ब्रेक्स और ब्रेक रबर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, मगर डिस्क ब्रेक में जो पैड आते हैं वो आपको इजीली नहीं मिलते, क्योंकि पैड काफ़ी डिजाइन में आते हैं तो आपको कैलिपर ही चेंज करना होता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि वी ब्रेक और अलॉय रिम का कॉम्बिनेशन ना हो। वी ब्रेक अलॉय रिम को ख़राब कर सकते हैं, वी ब्रेक और स्टील रिम का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, तो ये आप साइकिल ले सकते हैं। और डिस्क ब्रेक और अलॉय रिम की बात करें तो ज़्यादातर साइकिल्स में डिस्क ब्रेक और अलॉय रिम मिलते हैं। डिस्क ब्रेक हब में लगे होते हैं तो रिम खराब होने का सवाल ही नहीं होता। दोस्तों, जिन साइकिल्स में डिस्क ब्रेक होते हैं उनमें काफ़ी साइकिल्स में वी ब्रेक माउंट भी होते हैं। वैसे तो डिस्क ब्रेक ही अच्छे होते हैं, फिर भी कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप अगर डिस्क ब्रेक नहीं रखना चाहते तो आप वी ब्रेक माउंट में वी ब्रेक इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आप अगर ये जानना चाहते हैं कि वी ब्रेक कैसे इंस्टॉल करें तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपकी साइकिल में वी ब्रेक है और फ्यूचर में अगर कभी वी ब्रेक खराब हो जाते हैं तो डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करना काफ़ी मुश्किल होता है, पर आप वी ब्रेक निकाल कर कैलिपर ब्रेक इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक जरूरी बात, बारिश के दिनों में डिस्क ब्रेक तो अच्छी तरह से वर्किंग कर पाते हैं, वही वी ब्रेक में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। वी ब्रेक बारिश के दिनों में अच्छी तरह से वर्किंग नहीं कर पाते। दोस्तों, कुछ लोग ब्रेक लेवर्स में गलती कर देते हैं, क्या अभी बताता हूँ। अगर डिस्क ब्रेक या फिर वी ब्रेक में ब्रेक लेवर खराब हो जाते हैं तो कुछ लोग इस तरह के ब्रेक लेवर बिठाते हैं। ये ब्रेक लेवर बिठाने के बाद ब्रेक्स ही नहीं लगते, तो ये ब्रेक लीवर कैलिपर ब्रेक के लिए ठीक होते हैं। डिस्क ब्रेक और वी ब्रेक में आपको इस तरह के ब्रेक लीवर बिठाना चाहिए ताकि ब्रेक्स अच्छी तरह से काम कर सके। ओवरऑल आप अगर प्राइस देखते हैं या कहें बजट, तो आप वी ब्रेक मोटरसाइकिल ले सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि ब्रेक अच्छी तरह से काम कर सके और मेंटेनेंस भी कम हो, तो आप डिस्क ब्रेक मोटरसाइकिल ले सकते हैं।
तो पर्सनली मुझे वी ब्रेक और डिस्क ब्रेक में डिस्क ब्रेक ज़्यादा पावरफुल लगते हैं। बाकी आपको कौन सी ब्रेक मॉडल साइकिल अच्छी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही। साइकिल रिव्यू, साइकिल मेंटेनेंस ऐसी और वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, साथ ही आपके ब्यूटीफुल थॉट्स कमेंट में ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। ख्याल रखना अपना और अपनों का। थैंक यू दोस्तों।